शूट कर रहे थे, किस तरह की फिल्म है आपको? फिल्म का नाम है हंसा एक संयोग और बहुत सुंदर स्क्रिप्ट है। मेरा कुछ नया ढंग का किरदार है इसमें, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह का किरदार पहले मैंने नहीं निभाया है और मेरे लिए भी एक चैलेंज है कि मैं अच्छा करूं, इसको अच्छा निभाऊं। तो मैं कर रहा हूं और अभी गाना चल रहा है, बधाई का एक गाना गा रहे हैं। सर ये जो फिल्म बन रही है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन जो ट्रांसजेंडर पीपल ऑलवेज मेक अ लाफ, पीपल मेक द लाफ इन अ सोसाइटी, सो व्हाट इज योर टेक, व्हाट यू वांट टू से दिस, वेदर दिस फिल्म विल सेंड दिस राइट मैसेज और नॉट? वेदर पीपल आर लाफिंग और नॉट इट डजंट मैटर, द इमोशंस आर इक्वली इन एवरी ह्यूमन बीइंग एंड दे आर द ह्यूमन बीइंग एंड दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं किन्नर को देख के हंसो, बहुत हाई इमोशनल फिल्म है ये, इसमें इमोशन का एक आप एपेक्स देखेंगे। सो एज यू सेड यू आर फर्स्ट टाइम यू आर वेयरिंग दिस सारी, फर्स्ट टाइम दिस काइंड ऑफ रोल, यू आर यू अनकंफर्टेबल व्हाइल डूइंग दिस शॉट्स और नर्वस? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम एज एन एक्टर कुछ भी कर सकते हैं और एक एक्टर को ये करना चाहिए। और ये तो 16 श्रृंगार है जो कि भारतीय परंपरा में है और अर्धनारीश्वर का अगर रूप आप देखें और ढंग से देखें और समझें तो आपको समझ में आएगा कि अर्धनारीश्वर क्या है। तो किन्नर जो है एक तरह से उनका आधा पक्ष है सोसाइटी का, इस परंपरा का, और अगर माइथोलॉजिकल फैक्ट कहें तो उसका भी। अच्छा, किन्नर ने एक संदेश भी देती है, मैसेज भी देती है। बिल्कुल, बिना संदेश की कहानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये कहानी उस पक्ष की है, समाज के उस वर्ग की है जिस वर्ग के लिए लोग बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। और आज की जागरण इस तरह से हो चुका है, अवेयरनेस इतना बढ़ गया है इस वर्ग को लेकर कि एक अच्छा मैसेज जाएगा, मेरा ख्याल है इस हंसा एक संजोग ये जो फिल्म बन रही है उससे। इसके अलावा आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट? मैं एक फिल्म अभी करने जा रहा हूँ, झलकी एक बचपन, हाँ, एक इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर का फिल्म है ब्रह्मानंद की, वो मैं कर रहा हूँ।